तब तक कोई भी चीज जो बड़ी मिस्टीरियस हो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो, मिस्टीरियस हो, रहस्यमयी है, बहुत मुश्किल है समझने के लिए सर, बहुत मुश्किल है बेटा, उसको बोलते हैं आर्केन, मिस्टीरियस एंड नॉन ओनली बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं बेटा, कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी अभी हमारा बजट आया है बाबू, जैसे ही बजट सुनाया गया हमने बोला भाई कुछ पल लेना पड़ा हमें, तो चलो एक काम करते हैं सीए को कॉल लगाते हैं, भाई सब क्या कह रहे हैं ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है टैक्स। आपने बोला बड़ी बड़ी एब्स्ट्रूस डिटेल्स है, बड़ी आर्केन, अब शब्द क्या यूज करो बेटा, बड़ी आर्केन डिटेल्स है यार बजट में, तो बड़ी आर्केन डिटेल्स है, अपने को तो कुछ पल्लो नहीं पड़ा भैया, पूरी यूट्यूब की वीडियो बेच डाली हमने, देख डाली, कुछ पल्लो ही नहीं पड़ा। हमने बोला आर्केन डिटेल दी गई है उस बजट में, आर्केन डिटेल्स हैं बजट में, तो आपने बोल दिया सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द आर्केन डिटेल्स ऑफ द बजट, समझ रहे हो पाजी, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे। तो देखो ही वॉज द ओनली पर्सन, वो केवल एक ऐसा आदमी था वो अंडरस्टूड, जिसको समझ आई थी ऑल द आर्केन डिटेल्स, सारी मुश्किल डिटेल्स, डिफिकल्ट डिटेल्स, रहस्यमय डिटेल्स, मिस्टीरियस डिटेल्स उस एग्रीमेंट की। तो बेटा ये हुआ तीसरा वर्ड आर्केन, आपको समझ में आ गया। सो एब्स्ट्रूस कॉम्प्लिकेटेड आर्केन, बोलना जरा एब्स्ट्रूस कॉम्प्लिकेटेड आर्केन। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा, ओहो मेरे दिल के बहुत करीब है भाई साहब ये वर्ड, इसको बोलते हैं बेटा एसोटेरिक, एसोटेरिक ये बहुत प्यारा है भाई साहब, बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना बेटा, एसोटेरिक को जरा ध्यान देना। जैसे मैंने बोला भाई साहब कॉफी पियोगे आप, आपने बोला बिल्कुल सर जरूर लेंगे, मैंने कॉफी मंगाई, मैंने घूप मारी, मैंने बोला यार इनकी तो कॉफी बढ़िया नहीं है, बोला क्या हो गया, मैंने बोला वो टेस्ट नहीं आ रहा, वो गजब का टेस्ट नहीं आ रहा, बोले गजब का टेस्ट क्या होता है सर, कॉफी तो कॉफी होती है, टेस्ट क्या आना, मैं यार तू कम पीता ना कॉफी, हाँ मैं ज्यादा पीता हूं, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, गहन अध्ययन है, सो मेरा टेस्ट जो है एसोटेरिक है बिल्कुल। तो बेटा एसोटेरिक वही चीज है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, यानी राह चलता बोलेगा ठीक है कॉफी कर लो प्रोडक्शन। जब भी कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, खाने का आइटम बनाती है, फूड आइटम, और उसको टेस्ट कराती है, तो बेटा ऐसे इंसानों को बुलाती है जिनके पास एसोटेरिक चीजों को समझने की भी शक्ति हो। सो एसोटेरिक का मतलब है ये सिर्फ उन लोगों को ही समझ आएगी जो स्पेशल उस चीज में अपने आप में नॉलेज रखते हैं, बादशाह है उस फील्ड के वो। सो उसके लिए बेटा एसोटेरिक आपके लिए यूज किया जाता है कि ऐसी चीज दैट इज अंडरस्टूड ओनली बाय दोज पीपल हु हैज गॉट अ स्पेशल नॉलेज, जिनके पास एक तरीके की स्पेशल नॉलेज, उस तरीके से आप बोलते हो बेटा एसोटेरिक, ठीक है उन्हीं को पल्ले पड़ेगी। तो बना वेरी अनयूजुअल एंड अंडरस्टूड और लाइक बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल स्पेशली दोज विद स्पेशल नॉलेज, आया बेटा वेरी गुड। सो ही हैज एन एसोटेरिक कलेक्शन ऑफ ओल्ड टॉयज एंड गेम्स, अब आप उस गेम में घुस गए आपको पल्ले नहीं पड़ रहा भाई साहब, आप जो पबजी नहीं खेलते उनको क्या पता पबजी में क्या होता है, कहता उतर गया अब क्या करूं खड़ा हूं, कहता अब एक काम कर हमें इस गेम में आगे चलना है, कहते हैं क्या भाई साहब बकवास मजे। तो वो एसोटेरिक अपने आप में चीज कैसे बन गई, उसके पास एक एसोटेरिक कलेक्शन है ओल्ड टॉयज की और गेम्स की, इसका मतलब वो सिर्फ उसी का पल्ले पड़ेगी जो उन गेम से रिलेटेड चीजों को जानता होगा, नॉलेज होगी, अदरवाइज दूसरे के लिए तो बेटा वो मुश्किल बन गई, दूसरे के लिए तो डिफिकल्ट बन गई, समझ रहे हो बाबू वेरी गुड। अब जिन जिनको पबजी वाला जोक समझ आ गया उनका सबका फ्यूचर का सत्यानाश हो रखा, पबजी खेलते रहते हैं बेटा, बर्बाद करोगे फ्यूचर मेरे को क्या, आओ जी एसोटेरिक के बाद मेरे बच्चे मेरे